प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के आम नागरिकों को न्याय दिलाने और उनको अधिकार देने के लिए पास हुआ है अनुच्छेद 370 समाप्त करने का ऐतिहासिक बिल। प्रदेश में बच्चों के मन से पुलिस का डर हटाने बाल मित्र योजना शुरू। मुख्यमंत्री ने भिलाई 3 थाने में बाल मित्र कक्ष का किया लोकार्पण। आज पूरे देश भर में मनाया जा रहा है बलिदान का पर्व ईद उल जुहा। सावन महीने के आखिरी सोमवार पर शिवालयों में लगा भक्तों का तांता। और कोरबा की रजगमार भूमिगत खदान क्षेत्र में विस्फोट के बाद जमीन धसकने के मामले में एसईसीएल प्रबंधन को जिला प्रशासन ने जारी किया नोटिस। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार, मैं हूं सरोज गुप्ता। आप समाचार विस्तार से। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के आम नागरिकों को न्याय दिलाने और उनको अधिकार देने के लिए ऐतिहासिक बिल पास हुआ है और उसी दिन से ये सारे अधिकार लागू हो गए हैं। श्री जावड़ेकर ने इंदौर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि अनुच्छेद 370 की वजह से जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका वाजिब हक नहीं मिल रहा था, न ही अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों को संविधान के तहत आरक्षण का लाभ मिल रहा था। लेकिन जम्मू कश्मीर में नहीं है, न शिक्षा में, न नौकरी में, क्यों 370 ने रोक दिया। हमारे नगर परिषद से महानगर निगम से जिला परिषद में सब जगह दलित और आदिवासियों को राजनीतिक आरक्षण है, लेकिन कश्मीर में नहीं है क्योंकि 370 धारा 73 और 74वीं संविधान संशोधन जो पंचायत समिति को एक व्यापक अधिकार देता है और 5 साल में पंचायत के चुनाव होने ही चाहिए, यह बंधन आ गया। यह संविधान संशोधन सारे देश भर में लागू है, 5 साल में पंचायत के चुनाव होते हैं। कश्मीर में पिछले 30 सालों से ये चुनाव नहीं हुए, क्यों 370, क्योंकि वहां ये लागू नहीं है। फिर आदिवासियों के जो जंगल के अधिकार होते हैं, वनोपज इकट्ठा करना, उसका एमएससी भी हम दे रहे हैं, और वहां बसने का अधिकार होता है, वहां जो 75 साल से जो जमीन जोत रहे हैं उसको जोतने का अधिकार मिलता है। यह अधिकार पूरे देश में है, केवल जम्मू कश्मीर में नहीं है, क्यों 370। आरटीआई में जो पीआईएल दाखिल करता है, कोई विसल ब्लोअर है, कोई पत्रकार भी होते हैं बहुत सारे कि जो कोई स्कैम बाहर नलाते हैं, उसको संरक्षण देने की योजना विसल ब्लोअर एक्ट में है, लेकिन यह देश भर में है, जम्मू कश्मीर में नहीं है क्योंकि 370। श्री जावड़ेकर ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने का वहां के लोग स्वागत कर रहे हैं। भाजपा के सांसद संतोष पांडे ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि पूरा देश अब कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक एक है। देश भर में केंद्र सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया जा रहा है और लोग कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने से खुश हैं। और लोकसभा में भले ही हम बहुमत में होंगे किंतु बाकी दलों ने भी उसमें सहयोग किया और 370 के लिए 370 वोट से कम किए। यह प्रस्ताव जो हुआ देश के हित में हुआ। 370 का विरोध करने वाले भी वहां दिखे। धारा 370 रहनी चाहिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उसके पक्ष में अपनी बात रखी और छोटे मोटे दल जो कश्मीर के हैं, जो क्षेत्रीय है, वे उनके साथ थे।
देश की जनता जान चुकी है कि आज राष्ट्र के साथ। श्री पांडे ने यह भी कहा कि अलगाववादी तत्वों और आतंकवादियों के कारण जम्मू कश्मीर में अशांति कायम हो गई थी, अब वहां अमन चैन का माहौल बनेगा। प्रदेश में बच्चों के मन से पुलिस का डर हटाने के लिए बाल मित्र योजना की शुरुआत की गई है। प्रदेश के कई थानों में बाल मित्र कक्ष बनाए गए हैं। दुर्ग जिले में भी 8 थानों में बाल मित्र कक्ष की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज भिलाई 3 थाने में बाल मित्र योजना के अंतर्गत स्थापित बाल मित्र कक्ष का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री बघेल ने कहा कि बच्चों के मन से पुलिस का डर दूर करने और उन्हें पुलिस की कार्यशैली से अवगत कराने के लिए बाल मित्र योजना शुरू की गई है। चुप रहो नहीं तो पुलिस वाले आके ले जाएंगे। तो बच्चों के मन में पहले से ही भय बिठा देते हैं, तो भय दूर करने के लिए पुरानी भिलाई थाने में इसका लोकार्पण किया गया। बच्चों के यहाँ खेलने कूदने की व्यवस्था की गई है, सिखाने की, ताकि बच्चे यहाँ आए, वहाँ कुछ कुछ खेल सामग्री उसको रखे हैं, ताकि उसके खेल के साथ साथ पुलिस विभाग की जो कार्यशैली है उससे भी बच्चे अवगत हो सकें। ट्रैफिक के बारे में बताएंगे, कानूनी व्यवस्था के बारे में, कानून के बारे में बताएंगे। तो एक अच्छे नागरिक बनाने के लिए गृह विभाग के द्वारा बहुत बढ़िया कार्यक्रम। बाल मित्र योजना के अंतर्गत थानों में बच्चों के लिए खेल सामग्री, ज्ञानवर्धक और मनोरंजक किताबों के अलावा खाना खजाने की व्यवस्था की गई है। दुर्ग जिले के पाटन विकास खंड के ग्राम सैलूद स्थित प्राइमरी स्कूल के 100 वर्ष पूरा होने पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सैलूद इस अंचल में आजादी की लड़ाई का प्रमुख केंद्र बिंदु था। स्वर्गीय उदय राम जी ने यहीं से शिक्षा आंदोलन की शुरूआत की और गांव गांव में स्कूल स्थापित हुए। श्री बघेल ने स्वर्गीय उदय राम और अन्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए कहा कि राज्य सरकार का फोकस भी अब पूरी तरह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर है। जन विधायक बनते, सांसद बनते, मंत्री बनते, लेकिन सबकी जयंती और पुण्यतिथि नहीं मनाए। उन व्यक्ति उनकी ये समाज पर कुछ करे हुए थे, ये समाज दर जीते और समाज दर जन पूरा जीवन समर्पित करते, ऐसा व्यक्तित्व मन में याद किए जाते। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में आधुनिक शिक्षा की सभी जरूरतें पूरी की जाएंगी। इस स्कूल को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सभी संसाधन मुहैया कराए जाएंगे। श्री बघेल ने डीजी क्लासरूम के लिए 15 लाख रुपए और अन्य जरूरतों के लिए 4 लाख रुपए की राशि मंजूर करने की भी घोषणा की। कार्यक्रम में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रुद्र कुमार सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक मौजूद थे। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल जुहा आज देश भर में पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भी विभिन्न मस्जिदों और ईदगाह भाटा में मुसलमान समुदाय के लोगों ने ईद की नमाज अदा की। इस दौरान नमाज के बाद देश और प्रदेश में अमन और खुशहाली की दुआ मांगी गई। राजधानी रायपुर स्थित ईदगाह भाटा में भी ईद की नमाज अदा की गई। नमाज अदा करने के लिए के बाद मुसलमान समुदाय के लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाई दी। उधर भिलाई ईदगाह में भी मुस्लिम धर्मावलंबियों ने ईद की नमाज अदा की। जामा मस्जिद के इमाम हाफिज मोहम्मद इकबाल अंजुम ने ईद की नमाज अदा कराई। इमाम ने बताया कि ईद उल जुहा का पर्व राह खुदा में त्याग के साथ ही सच्चाई की राह पर चलने का पैगाम देता है। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमारे मुल्क में हमें शांति कायम फरमाए और नजर बस से महफूज फरमाए और हमारे मुल्क को दीन दुनिया चौनी तरक्की अदा फरमाए, और जो बाढ़ पीड़ित के लोग हैं और जिस तरह के हालात से वो जूझ रहे हैं, हम दुआ करते हैं कि वो सारे हालात इस हालात का डट कर मुशाहदा करें और सब्र को दाम का थामन दामे रखें, और दुआ करते हैं कि जो लोग अमीर हैं, साहिब हैसियत हैं, पैसे वाले हैं, अल्लाह उनके दिलों में रहम डाले कि वो गरीबों की मदद फरमाए। वहीं महासमुंद जिले में भी ईद उल जुहा पूरे धार्मिक और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है।
मुस्लिम समुदाय के लोग बड़ी संख्या में ईदगाह भाटा में नमाज अदा करने पहुंचे। इस अवसर पर लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद दी। ईद के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी लोगों को ईद की शुभकामनाएं दी हैं। सावन महीने के आखिरी सोमवार का पर्व भी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज शिव मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। राजधानी रायपुर स्थित विभिन्न शिवालयों में भक्तों ने शिवजी का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। महादेव घाट के हटकेश्वर महादेव मंदिर में भी दिनभर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। वहीं पुरानी बस्ती स्थित भूरेश्वर महादेव और कचना स्थित सुरेश्वर महादेव पीठ सहित अन्य मंदिरों में भी श्रद्धालु शिवजी के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। इसी तरह कबीरधाम जिले में स्थित ऐतिहासिक भोरमदेव मंदिर, राज्य में स्थित कुलेश्वर महादेव और सिरपुर स्थित गंदेश्वर महादेव सहित प्रदेश के अन्य शिवालयों में भी श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। सावन सोमवार और ईद उल जुआ का पर्व को देखते हुए प्रशासन ने के द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कोरबा में साउथ ईस्टर्न कोल लिमिटेड SECL के रजगामार भूमिगत खदान क्षेत्र में विस्फोट के बाद जमीन धसकने की घटना को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लेते हुए प्रबंधन को नोटिस जारी किया है। पिछले दिनों रजगामार भूमिगत खदान में ब्लास्टिंग के दौरान पास के एक स्कूल का सबमर्सिबल पंप जमीन में धसकने के कारण खदान के भीतर जा गिरा था। पंप के पाइप से खदान के भीतर कर्मियों की आवाज आने की जानकारी के बाद आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल देखा जा रहा था। घटना की जानकारी मिलने के बाद कलेक्टर किरण कौशल ने मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का निरीक्षण किया और SECL प्रबंधन से भूमिगत खदान के माइनिंग प्लान की जानकारी ली। उसमें अब माइनिंग डिपार्टमेंट को और ये कहा गया है कि वे डायरेक्टर जनरल माइन सेफ्टी से कंसल्ट करके टेक्निकली इसको इवेल्युएट करा लें कि कितने लेवल तक की डिगिंग अंडरग्राउंड माइन में किए में परमिसिबल होगी उस एरिया के स्ट्रेटा के हिसाब से, उस हिसाब से ही आगे की जो है माइनिंग एक्टिविटी वहां पर की जावे। इस आशय के लिए उनको शीघ्र जो है कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने इस पूरे मामले पर खान सुरक्षा निदेशालय को भी पत्र लिखने के साथ ही सुरक्षा मानकों के साथ खनन कार्य करने की चेतावनी SECL प्रबंधन को दी है। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।